प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 जिसका चैप्टर नंबर 10 है आपका वे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो बेटा, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ ए वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो आपको वेव फ्रंट की बेटा इसमें क्या बताना, इसका आपको इसकी शेप बताना। तो बेटा क्या पूछ रहा है, पहले लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। तो देखिए बेटा, आपकी लाइट है आपकी, है ना, ये लाइट बेटा क्या आपकी डाइवर्स आपकी हुई है किसी डाइवर्स, मतलब आपकी वहां से देखो निकल रही है आपकी इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन क्या देखो आपकी ये आपकी लाइट निकल रही है। तो बेटा वेव फ्रंट बेटा ऑलवेज क्या होता है, वो आपकी लाइट की डायरेक्शन में क्या बनता है, उसके परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक कैसे बेटा आपको एक प्लेन ड्रॉ करना, हमको परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपका एक परपेंडिकुलर बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेन ड्रॉ करते हैं। इट मीन्स जो आपका पॉइंट सोर्स है उसके अराउंड जो आपका स्पेरिकल जो होता है, क्या होता है आपका स्पेरिकल होता है, ठीक है, जो क्या होता है आपका स्पेरिकल शेप होता है, वो बेटा क्या करता है इसमें आपका इसका वेव फ्रंट बनता है, ठीक है। तो ये बेटा फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका है बेटा पॉइंट सोर्स के लिए। बेटा आपका ये बेटा क्या देखो आपका हो गया, ये इसका पैटर्न हो गया, कैसा आपका स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो ये बेटा क्या देखिए आपका, ये इसका वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट बेटा क्या देखो आपका, ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो जैसे आप इक्वी पोटेंशियल आप लोग सरफेस बनाते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ऐसा सपोज ये आपको कोई आपका वेव है, इसकी डायरेक्शन आपकी है, उसके ये देखो एंगल क्या होगा आपका, आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम उसको फर्स्ट पार्ट को पढ़ भी लेते हैं इसका आपका। तो क्या कह रहा है, द जियोमेट्रिकल शेप ऑफ ए वेव फ्रंट विद द डाइवर्जिंग फ्रॉम द स्पेरिकल वेव फ्रंट। बेटा कैसा होगा आपका SWF, मतलब आपका स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। इट इज बिकॉज द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इन ए स्पेरिकल, ठीक है। तो आपका इसका तो फर्स्ट पार्ट बेटा इसका आंसर है कि आपका हो गया आपका स्पेरिकल वेव फ्रंट हो गया। सेकेंड पार्ट बेटा हमसे क्या कह रहा, देखिए आपका कि लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज स्प्लिट एट अ इट्स फोकस, ठीक है। तो बेटा जरा यहाँ पर हम देखिए, जरा हम लाइट की डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। देखिए पहले हम लाइट की डायरेक्शन बनाना सीखे, ठीक है। ये आपका क्या आपका सोर्स है, यहाँ से क्या आपके देखो लाइट बेटा आपकी क्या हो रही है, आपकी डाइवर्ज हो रही है। उसके बाद बेटा देखिए यहाँ पे हमने क्या देखिए आपका ये आपका क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये आपका फोकस है। तो फोकस पे जो आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, बेटा क्या होता है आपका वो स्ट्रेट चला जाता है ना बेटा, कहाँ को जाता है आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। अब बेटा हमको यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, आपका वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वेव फ्रंट कैसा होगा, जो आपका लाइट के डायरेक्शन में क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर पैर बच्चों हम लोग क्या करते हैं आपका, हम लोग यहाँ पर एक प्लेन शीट पेपर रख देते हैं। देखो जैसे आपका प्लेन शीट पेपर है आपका, ठीक है, ये बेटा भी क्या रे है और उसके बेटा परपेंडिकुलर क्या देखो आपका, ये आपका प्लेन हो गया। तो बेटा आपके सेकेंड पार्ट में जो बेटा आपका आंसर होगा, अगर आपके कॉन्वेक्स लेंस से अगर आपकी रेटा क्या हो रही है आपकी आपकी आउटसाइड निकल रही है, तो डैट केस में उसका बेटा वेव फ्रंट बेटा कैसा होगा आपका, आपका प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है। तो व्हेन द पॉइंट सोर्स इज प्लेस एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस द रे ऑफ लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द लेंस आर पैरेलल, देयर फॉर द जियोमेट्रिकल शेप ऑफ अ वेव फ्रंट विल बी प्लेन वेव फ्रंट। बेटा कैसा आपका होगा, आपका प्लेन होगा, ठीक है। चलिए तो उसका देखिए डायग्राम आपका ये रहा आपका, तो सेकेंड पार्ट का देखिए डायग्राम आपका यही है आपका, कि देखिए आपका फोकस से रे आपकी निकली आपकी, ठीक है, आपकी फोकस से रे निकली, बट क्या देखो आपकी स्ट्रेट चले गई आपकी, है ना। तो बेटा इसमें कैसा वेव फ्रंट बेटा बनेगा आपका, आपका प्लेन बनेगा, ठीक है। चलिए आप बेटा देखो सी पार्ट पूछ रहा है, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ अ लाइट फ्रॉम द डिस्टेंस स्टार इंटरसिपेटेड बाय द अर्थ। चलिए तो देखिए जरा आप जो जरा इस वाले दोनों डायग्राम को जरा यहाँ पर आप लोग डिस्कस कीजिए। देखिए ये आपका सपोज क्या बेटा आपका ये स्टार है, बहुत दूर है आपका, है ना। देखिए अगर पॉइंट सोर्स होता बेटा, देखिए यहाँ पर उसका वेव फ्रंट बेटा कैसे बनता है, आपका स्पेरिकल बनता है। अगर ये आपका पॉइंट सोर्स है बेटा, इसका वेव फ्रंट बेटा कैसे बनता है, आपका स्पेरिकल बनता है। लेकिन जरा मुझे यहाँ पर बताइए, देखिए जैसे जैसे देखिए ये आपका देखिए ये देखो डिस्टेंस बेटा बढ़ रहा है, आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कर्वेचर का क्या देखो धीरे धीरे आपका देखो कम होता जा रहा है ना बेटा, कर्वेचर का देखो आपका कम होता जा रहा है। और एक पॉइंट बेटा ऐसा आएगा जो बहुत ही ज़्यादा दूर बेटा आप लोग होंगे, बेटा कहाँ पर होंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा फार डिस्टेंस आपकी होगी। डैट केस में देखो जो आपको स्पेरिकल वेव फ्रंट है बेटा कैसा दिखाई देगा आपको, ये आपको प्लेन वेव फ्रंट जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो एक्चुअली बेटा ऐसे ही होता है आपका, जब आपका जो स्टार है बेटा क्या आपका बहुत दूर है, बेटा स्टार बेटा क्या है बहुत दूर है आपके आपके अर्थ से,
तो बेटा बहुत दूर है देखिए यहाँ पर, तो बेटा वेव फ्रंट देखिए इसमें कुछ इस टाइप से को बनेंगे आपके, है ना। देखिए इसको वेव फ्रंट बेटा आपके बन रहे हैं, तो बेटा देखिए इसमें कुछ वेव फ्रंट देखो आपके इस टाइप से बनेंगे। तो आप लोग क्या देख रहे हैं धीरे धीरे इसका बेटा कर्वेचर क्या देखो आपका आपका कम होता जा रहा है ना। तो जैसे जैसे बेटा आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका हम अगर आपके स्टार से अर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं जो स्पेरिकल आपके वेव फ्रंट थे बेटा उसका कर्वेचर बेटा क्या आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि रेडियस बेटा आपकी बढ़ती जा रही है। बेटा रेडियस क्या देखिए आपकी बढ़ती जा रही है। देखिए अगर सपोज आपका यहाँ पर आपका है ये आपका अर्थ है, यहाँ पर देखिए इसकी रेडियस बेटा क्या है ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी बेटा कर्वेचर बेटा उसका कर्व है ना बेटा उसका कर्व बेटा क्या देखो आपका उतना देखिए यहाँ पर भी कर्वेचर कम है। देखो धीरे धीरे बेटा क्या देखो कर्वेचर आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स इसका बेटा ये इसका डायग्राम आपका होगा। तो बेटा अगर लॉन्ग डिस्टेंस आपकी होगी जो आपको जो आपका जो स्टार से जो आपका क्या निकल रहा है वेव फ्रंट निकल रहा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस जाने के बाद बेटा कैसा आपको फील बेटा आपका होगा आपको वो आपको प्लेन वेव फ्रंट फील होगा, ठीक है। तो उसका बेटा यही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्पेरिकल वेव फ्रंट ऑफ ए स्टार सोर्स लाइट एडवांस इज कर्वेचर गोज टू डिक्रीज रेडियस इंक्रीज सेंस बेटा क्यों हो क्या आपका उसका रेडियस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एज द स्टार इज फार वेरी एट द इंफिनिटी द वेव फ्रंट इंटरप्रेटेड एज द अर्थ इज प्लेन वेव फ्रंट। बेटा कैसा बेटा आपको बेटा महसूस आपका होता है आपका प्लेन है ना। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, देखिए आप लोग खुद देखिए यहाँ पर मैं जैसे जैसे यहाँ पर देखो रेडियस बेटा बढ़ रही है आपकी, तो आप लोग क्या देखें सर कर्वेचर देखो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। और देखो एक पॉइंट ऐसा बेटा आपका आएगा जहाँ पर आपको कैसा फील होगा आपका बिल्कुल प्लेन फील होगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो जो भी आपकी लाइट आपकी जब जनरेट होती है स्टार से जब वो आपके अर्थ में पहुँचती है, तो बेटा उसके वेव फ्रंट बेटा कैसे होते हैं आपके आपके प्रपेंड आपके पैरेलल है ना बेटा, कैसे होते हैं आपके आपके पैरेलल आपको फील होता है। तो प्यारे बच्चों इट जी का डायग्राम है, तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। आप बेटा इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.primal.com पे जाके भी इसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए एंड फिर इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।